नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसके थ्रू अगर आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर को या किसी भी चीज़ को जो आपको लर्न करना हो उसको मात्र 5 बार पढ़ने से, 5 बार दोहराने से आप सदा के लिए उसे याद कर सकते हो। आप सोचोगे कि हमने तो ऐसा कितनी बार किया है, हम 10-10 बार 15-15 बार पढ़ते हैं तो भी हमको लर्न नहीं होता और हम थोड़े देर बाद भूल जाते हैं, एक दिन बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने उस टेक्निक का यूज़ नहीं किया जिस टेक्निक को मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो आप भूलोगे नहीं, आप एक बार अगर लर्न कर लिया कोई चीज़ को तो आप भूल नहीं सकते जिस टेक्निक से मैं बताने वाला हूँ। वो टेक्निक क्या है उसको अगर आप सीखना है, उसको अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए नए हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा दिमाग है उसके 2 स्टेप्स हैं, यानी 2 उसके लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है, वो है कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम हमेशा रहते हैं उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है सब कॉन्शियस माइंड। तो जो चीज़ हमारे दिमाग के जो ऊपर वाले पार्ट है, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें जब कोई चीज़ चली जाती है तो वो कभी डिलीट नहीं होती, वो हमेशा उस दिमाग में रहती रहती है। जो हमने याद किया, कोई सी चीज़ चाहे याद की हो या कुछ भी किया हो, वो हमें याद रह जाती है। ठीक है, इसलिए हमको चाहिए कि हम हमारी जो भी चीज़ लर्न करें वो सब कॉन्शियस माइंड में पहुँच जाए। ठीक है, अब आप यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कोई भी क्वेश्चन ये लर्न करते हैं तो हमें लर्न नहीं होता 1-2 बार में, लेकिन अगर कोई हम गाना सुनते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो हम पिक्चर देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें हमारा फुल इंटरेस्ट होता है। जिस भी मूवी को हम देखेंगे हम पूरे इंटरेस्ट के थ्रू देखेंगे। पहली तो बात यह है कि इंटरेस्ट आपका बहुत होता है जब आप मूवी देखते हो। दूसरा यह कि वो विजुलाइज होती है, जो मूवी होती है वो दिखती है। आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के जो पात्र हैं वो सब कुछ है, वो आपको दिखते नहीं हैं, वो आप सिर्फ रीड करते हो। तो इस वजह से मूवी की कोई चीज़ या फिल्म की कोई चीज़ या कोई फैक्ट जो है वो आपको याद रहते हैं ज़्यादा दिन तक, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। ये भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी एक ही कारण की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना रहता है कि हमारे जो क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन लर्न करना है या आंसर लर्न करना है, उसकी आपको फ्रेमिंग करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे फ्रेमिंग क्या होती है, कैसे फ्रेमिंग करेंगे? तो देखो, फ्रेमिंग बहुत आसान है, हमारा दिमाग खुद फ्रेमिंग करता है उस चीज़ की। जब भी हम कोई चीज़ को पहली बार देखते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, हर चीज़ की फ्रेमिंग करता है। हम जैसे कि हम कोई चीज़ को करना हो, जैसे हमको कोई क्रिकेट मैच खेलना हो या कुछ भी ऐसा कोई काम करना हो, तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं, तो उसी को हम फ्रेमिंग बोलते हैं। दिमाग भी इसी तरह से हर चीज़ की फ्रेमिंग करता है। तो जब कोई दिमाग, जब कोई बात या जब कोई क्वेश्चन का फ्रेमिंग बार बार होता है तो वो फ्रेमिंग कहाँ हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ डिलीट नहीं होती अगर एक बार चली गई तो। ठीक है, अब हम कोई भी चीज़ को या कोई भी आंसर को हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजें, इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। टेक्निक बहुत आसान है, उसकी 5 स्टेप्स हैं। उस 5 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो तो आप बहुत आसानी से कोई भी चीज़ को, कोई भी आंसर को आप सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हो और वो सदा के लिए आपको लर्न रहेगा, सदा के लिए आपको वो याद रहेगा। तो चलिए पहली स्टेप बताता हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन लर्न करें, ठीक है, तो उसके 10 मिनट के अंदर आप उसका एक बार रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें। अब आप सोचोगे कि यार हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या मैं हर 10 मिनट के बाद उसको रिवाइज करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जैसे मान लो पढ़ने बैठे, आप 1 घंटे 2 घंटे जितने भी घंटे पढ़ें, उस 1-2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन या जितने भी आंसर्स या जितने भी सम्स आपने लर्न किए हैं उनको आप 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज़ कर ले। रिवाइज़ कैसे करेंगे, 10 मिनट में कोई रिवाइज़ तो होता ही नहीं। आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है या लर्न किया उसको सरसरी नज़र से देख लेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हम करते हैं ना, ऐसी बात करते करते उसको रिवाइज़ कर लिया, तो वो क्या हुआ, एक फ्रेम बन गई उसकी, यानी हमने कुल मिला के उसकी आउटलाइन बना ली। अच्छा अच्छा इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, तो हमने क्या करा, उसकी आउटलाइन बना ली। आउटलाइन बना तो उसकी फ्रेमिंग कर ली। वही फ्रेमिंग क्या होगा कि आपके दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, पहली स्टेप क्या है कि आप विद इन 10 मिनट आप जो भी कुछ लर्न किया है उसका आप क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे दिन भर में उसको 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप उसको रिवाइज़ करेंगे। पहला रिवीजन कितना है,
10 मिनट के अंदर आप रिवीजन करेंगे। दूसरा रिवीजन कब है? 24 आवर्स के अंदर, यानी कि आप 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी आपने दिन भर में पढ़ा है, आप जैसे मान लीजिए दिन भर में जो भी पढ़ा है, शाम को सोने से पहले आप उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो ये हुआ दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप है विद इन वीक, एक वीक के अंदर जितना भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना, जितना भी आपने लर्न किया है उसका रिवीजन करना। जैसे मान लीजिए सोमवार से लगा के सैटरडे तक, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, संडे के दिन आपने चूज़ कर लिया कि यार संडे के दिन में सारा रिवीजन करूँगा। आप जरूरी नहीं संडे के दिन ही, आप कोई सा भी दिन चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो जैसे आपने संडे के दिन चूज़ किया, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने जो कुछ भी लर्न किया है वो संडे को बैठ के 2-3 घंटे में, जितने घंटे भी आपको लगे, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये हुई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? विद इन मंथ, एक मंथ के अंदर जो कुछ भी आपने लर्न किया है वो एक दिन बैठकर, या एक दिन या दो दिन आप लगा सकते हो, एक या दो दिन बैठकर आप उस पूरे को रिवाइज कर लीजिए जो कुछ भी आपने लर्न किया है उस एक महीने में। चाहे वो एक सब्जेक्ट की बात हो, दो सब्जेक्ट की बात हो, या कोई सी भी हो, चाहे आप कोई भागवत पुराण पढ़ रहे हो या क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हो, कोई सी भी चीज़, ऐसा नहीं मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर की बात कर, कोई सी भी चीज़ जो आपको लर्न करनी हो उसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। तो जो भी कुछ एक महीने में आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने लर्न किया, जो कुछ भी याद किया है, उसको आप क्या करोगे, उस एक महीने के अंदर अंदर किसी भी एक दिन चुन लीजिए, लास्ट का दिन, और उस समय उसको पूरे को रिवाइज कर लीजिए। ये हो गई इसकी फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप है विद इन 6 मंथ, आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो कुछ भी उन 6 महीनों में आपने लर्न किया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। आप उसमें एक दिन भी लगा सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जितने दिन भी लग जाए आप उसको, 6 महीने वाली जो चीज़ें वो एक दिन में तो आप कर नहीं पाओगे, तो उस 6 महीने में जो कुछ भी आपने याद किया है उसको आप क्या करेंगे कि एक दो दिन में उसको पूरा उसको रिवाइज़ कर लेंगे। तो आपने क्या किया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आपने फ्रेमिंग कर ली, कितनी बार? 5 टाइम फ्रेमिंग की है हर क्वेश्चन की, बल्कि कुछ क्वेश्चन की तो 20 टाइम से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो किया था उसकी एक बार, फिर दूसरी बार जब पढ़ा होगा जो दूसरी बार भी उसकी फ्रेमिंग हुई होगी, ऐसे आपने बहुत बार फ्रेमिंग कर ली। तो वो फ्रेम कहाँ पहुँच गई? अब सबकॉन्शियस में, माइंड में पहुँच गई। जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच गई तो आप बहुत आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा, फटाक से आप उसको लिख दोगे। तो अगर इस टेक्निक को, और ये टेक्निक कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये टेक्निक साइंटिफिक प्रूवन है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जो दिमाग है वो हर चीज़ को 24 आवर्स में, हमारा माइंड, हमारे दिमाग में जो कुछ भी गया है उसका 80% डिलीट कर देता, भूल जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने 24 घंटे में रिवाइज़ नहीं किया तो जो कुछ भी आपने लर्न किया होगा वो 80% तो चला ही गया, बचा कितना? 20%। नेक्स्ट डे जब अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो टोटल ख़त्म। तो इसलिए आपको ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए, और ये टेक्निक साइंटिफिकल प्रूवन है, इसलिए आपको ये टेक्निक को ज़रूर आजमाना चाहिए। खासकर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने तो इस टेक्निक को ज़रूर आजमाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।